वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने चैनल गुरबिंदर होम पर। दोस्तों आज मैं आपको एक अफोर्डेबल हाउसिंग वाले बजट के अंदर, एक सेगमेंट के अंदर आपको एक घर दिखाने जा रहा हूँ जो कि इंडिपेंडेंट हाउस होने वाला है और प्रॉपर आपका रो हाउस यहाँ पर मिल जाएगा। बहुत आपको जो है प्रॉपर एक डबल स्टोरी हाउस जो कि 75 स्क्वायर यार्ड के अंदर बना हुआ है, एक अच्छा डिज़ाइन आपको यहाँ पर मिल जाता है। मॉडलर डिज़ाइन के हिसाब से इसको डिज़ाइन किया गया, पूरी सोसाइटी एक तरह से आपको फीलिंग यहाँ पूरी आने वाली है। आसपास के घर सारे बने हुए हैं, रोड्स आपकी तैयार हैं और घर आपका भी तैयार है। तो दोस्तों डबल स्टोरी है आपका, 75 गज को अगर तकरीबन 1000 स्क्वायर फीट यहाँ पर का एरिया कवर किया गया है। उसके बाद जैसे हम नीचे की तरफ देखें, आपको एक अच्छी खासी पार्किंग यहाँ पर नज़र आएगी, जहाँ पर आपकी जो छोटी गाड़ी होती है आल्टो गाड़ी, वो तकरीबन आपकी लग जाएगी थोड़ा सा जो स्टेयर्स है उसके नीचे करके, तो बड़े आराम से यहाँ पर लग जाएगी। फ्रंट आपको काफ़ी अच्छा मिल जाएगा जो कि 13.5 का है, और ऊपर का जो डिज़ाइन है वो भी काफ़ी अच्छा खासा मिल जाएगा। बालकनी में अभी स्टेनलेस स्टील की जो रेलिंग है वो लगनी अभी बाकी है, उसके बाद जो इसके लुक है वो बिल्कुल अलग आ जाएगी। तो एक अच्छी लोकेशन है, बिल्कुल चंडीगढ़ के पास है, मोहाली अंदर आपको मिल जाएगी जो कि ग्रेटर मोहाली खरड का एरिया आपको आ जाता है। और आसपास का एरिया बसा होने की वजह से ये भी है कि आपको यहाँ पर किसी भी चीज़ की शॉर्टेज या फिर कमी कभी यहाँ महसूस नहीं होगी। घर के साथ ही आपको मार्केट भी मिल जाएगी और बाकी चीज़ें जो है वो भी आसपास यहाँ पर रहने वाली है। तो एक अच्छा टाइल वर्क आपको यहाँ पर मिल जाएगा, स्टेयर्स आपके बाहर से हैं, स्टेयर्स के ऊपर रेलिंग लगनी अभी बाकी है, और ये स्टेयर्स हमने डिज़ाइन किया है बिल्कुल सेकेंड फ्लोर तक। तो ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर हमने आपको बना के दिया है यहाँ पर। इसके बाद अगर आपको लगता है कि हमने इसके ऊपर बनाना है तो स्टेयर्स आपके यहाँ पर तैयार हैं। तो चलिए अंदर की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा दरवाज़ा यहाँ पर आ जाएगा, मेन एंट्रेंस डोर जो कि फर्स्ट डोर है, सरमाइका इसके ऊपर पेस्ट किया हुआ और बड़ी अच्छी लुक यहाँ पर आ जाती है। बहुत ज़्यादा हाई फाई घर नहीं होने वाला, नॉर्मल है, लेकिन जिस सेगमेंट के अंदर ये मिल जाता है वो काफ़ी अच्छी चीज़ है, बहुत रेयर होता है ऐसे घर मिलने। थोड़ा सा आगे आते ही हमारा सीधा ड्राइंग एरिया हमारे सामने आ जाता है, और देखिए लाइट पूरी प्रॉपर हमारे पास आ रही है सामने से भी और साइड से भी, और एक अच्छा सीलिंग डिज़ाइन आपको जो है पूरे ड्राइंग एरिया के अंदर मिलता है, और एक अच्छी स्पेस है जहाँ पर 5 सीटर सोफ़ा आपका पूरा प्रॉपर लगेगा। इजीली आप अपने गेस्ट के साथ यहाँ पर एक अच्छा टाइम जो है बिता सकते हैं। और थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद ही आपको यहाँ पर जो है किचन नज़र आ जाएगी, जहाँ पर ड्यूल डोर आपको मिलने वाला, ऊपर और नीचे कैबिनेट जो है पूरे बिल्कुल अलग आपको मिलते हैं, और एक अच्छा डिज़ाइन मिलता है। ड्यूल सिंक हमने यहाँ पर लगाया, सामने की तरफ खिड़की है जो सिर्फ लाइट का ही काम नहीं करती, और जो जैसे ही आपका सिंक गीला होता है साथ के साथ सूख भी जाता है। और एक प्रॉपर स्टोरेज हमने यहाँ बनाई है, ऊपर भी कैबिनेट्स के अंदर नीचे भी, तो साइज़ जैसा मर्जी हो अगर उसको एक ऑर्गेनाइज वे के साथ डिज़ाइन किया जाए किचन को, तो वहाँ पर हर जितना भी सामान होता है वो पूरा अंदर आता है, कोई चीज़ बाहर नहीं रहती, और एक नीट एंड क्लीन एक अच्छी फिनिश जो है हर जगह आपको नज़र आती है। तो ड्राइंग एरिया आपका पूरा प्रॉपर यहाँ पर रहता है। इसके साथ ही थोड़ा सा आगे बढ़ते तो हमारा फर्स्ट जो है बेडरूम आपको यहाँ पर नज़र आएगा, एक अच्छा सीलिंग डिज़ाइन आपको यहाँ भी पूरा प्रॉपर नज़र आने वाला है, और बड़े साइज़ का एक बेडरूम आपको पूरा प्रॉपर मिल जाता है, जहाँ पर इजीली आप बेड रखने के बाद कोई चेयर या कुछ और रखना चाहते हैं तो बेफिक्र हो जाएं। और एक अच्छी स्टोरेज आपको पूरी मिलती है जो कि सीलिंग की हाइट तक है। बड़ी सी वार्डरोब हमने यहाँ पर रखी है, लाइट कलर हर जगह यहाँ पर यूज़ किए हैं, ताकि जो आपकी लाइट है अब आप ऑन भी करेंगे शाम को तो वो रिफ्लेक्शन जो है पूरी प्रॉपर रहे। चलिए ओपन करके दिखाते हैं। और एक अच्छी स्टोरेज आपको यहाँ पर नज़र आएगी, डबल जो है लैमिनेशन आपको पूरी प्लाई यहाँ पर नज़र आएगी, ऊपर नीचे नीट एंड क्लीन काम आपको यहाँ पर नज़र आने वाला है। एक्यूरेसी जो होती है लेवल की वो आपको यहाँ पर समझ आती है। तो डबल वार्डरोब है पूरी, नीचे भी ड्रॉर्स आपको मिल जाते हैं, ऊपर तक यहाँ पर है, और एक अच्छी स्टोरेज जिसे कहते हैं। गर्मी और सर्दी हर तरह के कपड़े जो हैं आपके इसी के अंदर आ जाएंगे, इसके अलावा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए लाइट यहाँ भी पूरी है, और इसके साथ आपका वॉशरूम जो रहेगा वो अटैच आपको मिलने वाला है। एक अच्छे लुक्स रहेंगे, डिसेंट लुक्स हैं। देखिए हमने पूरे घर के अंदर जो है बहुत ज़्यादा ग्लोरी या फिर मान लीजिए ग्लिटर्स वाला काम बिल्कुल नहीं किया, कहीं पे बहुत बड़े वॉलपेपर्स हैं वो काम नहीं किया, क्योंकि बजट सेगमेंट के अंदर एक अच्छी चीज़ देनी थी, तो हमने आपको लाइट जो है वेंटिलेशन है वो पूरा दिया। एक कूलर लगाएं या AC लगाएं, बड़े आराम से आपकी जगह आ जाएगा, और पीछे आपके पास जो है वेंटिलेशन के लिए जगह जो है वो पूरी प्रॉपर बन जाएगी। तो रो में आपके पूरे घर मिलेंगे, और देखिए आसपास के घर सारे बन चुके हैं, तो ऐसे एरिया में रहने में कभी कोई दिक्कत नहीं होती, आपके घर के आसपास ही सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो कई बार मन के अंदर होती है एक बात कि हमारे घर के आसपास कुछ होगा या नहीं होगा, तो यहाँ आपके सब चीज़ मिलेंगी, चाहे वो मार्केट हो, स्कूल हो, गुरुद्वारा साहब हो, मंदिर हो, सब्जी मंडी हो, चाहे पार्क हो, हर चीज़ आपको मिलने वाली है। और यहाँ पर हमारी स्टेयर्स हैं, यहाँ पर हमारी जो है स्टेनलेस स्टील की रेलिंग जो है वो लगनी अभी बाकी है, और ग्रेनाइट्स हमने यहाँ पर पूरे प्रॉपर आपके जो है स्लैब्स के ऊपर लगाए हुए हैं, ताकि स्टेप्स पे आप चढ़ने में या फिर कभी भी हो आपको भी प्रॉब्लम ना आए। तो ऊपर आने के बाद जो है एक अच्छा एरिया हमें मिल जाता है, और ये जो देख सकते हैं आपकी जो बालकनी का एरिया ऊपर का, बस यहाँ पर रेलिंग रखनी बाकी है, उसके बाद आप ये नज़ारा कभी भी यहाँ पर खड़े होकर लेंगे तो मज़ा आपको पूरा आने वाला है, क्योंकि घर भी आसपास अच्छे हैं और ग्रीनरी भी आपको पूरी मिलती है। और ये स्टेयर्स हमने ऊपर तक बनाई है, इसके बाद में आते हैं। तो ऊपर आते हैं हमारे फर्स्ट फ्लोर के अंदर की तरफ, यहाँ भी आपको एक छोटी सी पेंट्री मिल जाएगी। तो ऊपर का एरिया अगर आप चाहे रेंट आउट देना चाहते हैं
तो भी ओके है, या फिर आपकी फैमिली ही ऊपर यूज़ करना चाहती है तो वो भी हो जाएगी। तो ऊपर यहाँ पर एक किड्स बेडरूम आपको मिल जाता है, जहाँ पर एक अच्छी स्पेस आपको मिल जाएगी। और इसके बाद थोड़ा सा यहाँ से एक पैसेज आपको मिलेगा, जहाँ से अगेन आपका जो है सेकेंड बेडरूम वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो स्पेस दोनों ही बेडरूम्स के अंदर ऊपर भी यहाँ पर ठीक ठाक मिल जाती है। यहाँ भी देखिए काफ़ी बड़ी स्पेस है, ये तो आपका पूरा 14 फीट का बेडरूम तकरीबन आपका बन जाता है। और अगेन यहाँ पर वॉशरूम जो है वो आपको अटैच मिलने वाला है। तो चीज़ें आपके पास पूरी हैं, 3 बेडरूम हॉल किचन आपका पूरा प्रॉपर यहाँ पर जो है 75 गज के अंदर हमने यहाँ तैयार किए हैं। और जो बात है लाइट और वेंटिलेशन की, वो आपके सामने है, और एरिया कैसा वो भी आपके सामने है। तो दोस्तों अगर आपको घर के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए नंबर पर कभी भी आप कॉल कर सकते हैं, कभी भी आप इस घर को देखने आ सकते हैं। बस आने से 1 घंटा पहले आप कॉल कर दीजिए, वीडियो आपके सामने है। कोई सुझाव हमारे लिए हो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और कमेंट करना ना भूलें, हमारा हौसला ज़रूर बढ़ता है इसके साथ। और दोस्तों ये स्टेयर्स हमने ऊपर तक बना दी हैं ताकि आप आने वाले टाइम में इस चीज़ का जो है पूरा मज़ा आप ले सकें। देखिए ऊपर आपकी मोमटी आ जाती है, और मोमटी के सामने भी आपको जो है यहाँ पर हमने बालकनी दी है ताकि इस नज़ारे को आप हर सुबह या हर शाम ले सकें। और ठीक इसके साथ हमारा पीछे का एरिया, तो दोस्तों स्पेस आपको यहाँ भी पूरी प्रॉपर मिलेगी। आसपास के घर सारे बने हुए हैं, आपके भी रो जो है पूरी तैयार है। तो दोस्तों इस वादे के साथ हम फिर मिलेंगे एक और ऐसे शानदार घर के साथ, तब तक के लिए इजाज़त लूँगा, आपका दोस्त गुरविंदर, सत श्री अकाल।